आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। 2022 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक ही है, जिसके चलते सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी की गतिविधियों में तेजी देखी जा सकती है। हर कोई अपने अपने जिले में मुस्तैदी के साथ जनसमर्थन जुटाने में लगा हुआ है। वहीं प्राइम टीवी की टीम भी निकल पड़ी है अपने खास कार्यक्रम पब्लिक का प्राइम विधायक खोजने, जिसमें आज सबसे पहले हमारी टीम पहुंची राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में, जहां की मौजूदा विधायक स्वाति सिंह के साथ बात करते हुए उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होगी उनकी रणनीति पर चर्चा। साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त हम लोग सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर पब्लिक का प्राइम विधायक कौन होगा, जिसकी वजह से आज हम ये लोग यहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे यहां हमारे साथ में मौजूद हैं मौजूदा विधायक स्वाति सिंह, हमारे साथ में मौजूद है। आज स्वाति सिंह से हम लोग सीधे बात करेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं और किस तरीके की उन्होंने कार्य किए और आगे वाले समय में वो क्या करने वाली है। मैम आप बताइए कि आप अपने क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर क्षेत्र में आपने किस तरीके के इतने विकास कार्य क्या क्या चीज़ हुए हैं आपके? देखिए यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं और इसी सरोजनी नगर विधानसभा में डिफेंस कॉरिडोर भी आया है जी। इसी सरोजनी नगर विधानसभा में फोरेंसिक लैब भी आया है जी। यहाँ से किसान पथ भी आउटर रिंग रोड, साथ ही साथ जो लखनऊ कानपुर जो ग्रीन कॉरिडोर जो रोड है हाईवे वो भी बन रहा है, वो भी उसकी भी शुरुआत होने वाली है। तो ये ऐसे बड़े बड़े काम हैं जी। फिर फ्लाईओवर, एक रमाबाई फ्लाईओवर, रमाबाई पार्क के पास पीडब्ल्यूडी के द्वारा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जी। ऐसे बहुत सारे, घुड़घुड़ी का तालाब है जी, जो हम लोगों ने, बहुत पौराणिक तालाब है, वहाँ पर माता सीता ने, जब वो वनवास में थे भगवान राम और माता सीता, तो उन्होंने यहाँ पर अपने पैर को धोया था जी। उसी पर उस तालाब का नाम गोड़धूली का तालाब हुआ जी। अब लोग उसको घुड़घुड़ी बोलने लगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े काम हैं। हाँ, 2 करोड़ का उसमें पैसा पास हुआ है, तो बहुत बड़े बड़े काम हैं। अभी आज ही एक काम की स्वीकृति हुई है, 19 करोड़ के एक सड़क की स्वीकृति हुई है जी। ऐसे बहुत सारे काम हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी सूची भी पकड़ा दूंगी जी। इतने ज्यादा काम है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हम शायद 1 या 2 मिनट में उन विषयों पर ना तो चर्चा कर पाएंगे जी, ना मैं बता पाऊँ जी। बाकी मैम ये है कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप किस तरीके की क्या तैयारियाँ और विशेष रहेंगी आपकी? देखिए जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रही हैं, मैं जिस पार्टी से आती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से आती हूँ। हमारा जो संगठन है वो हमेशा इस बात पर विश्वास करता है कि हम जनता की वजह से यहाँ पर हैं और जनता के लिए हमें काम करना है, एक समाज सेवी के रूप में हमें काम करना है। वही काम भी हम करते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि जो उसके कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, माननीय योगी जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं होता है कि आज चुनाव है तो हम अपने घरों से निकलकर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे कोविड के टाइम में भी वो बाहर सड़कों पर ही दिखे जी। वो बाहर ही रहे, लोगों के लिए उन्होंने काम किया। तो ये हमारी पार्टी की परंपरा है और हम कोशिश करते हैं एक कार्यकर्ता होने के नाते कि हम अपने पार्टी की परंपराओं को बनाए जी। बाकी मैम ये है कि जैसे और विपक्षी पार्टियां हैं वो बड़े आरोप प्रत्यारोप उनके चलते रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इस तरीके से बेरोजगारी दूर नहीं हुई और शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे उठा रखे हैं। उसके बाद भी लगता है कि मतलब घोटाले उनके सरकार में हुए जिसका हम निस्तारण कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। और उनके सरकार के टाइम में जिन युवाओं को काम नहीं मिला, आज हम उन युवाओं को ना तो उन्होंने पढ़ाया ना काम दिया, आज हम उन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग भी देने का काम कर रहे हैं, उनको नौकरी भी देने का काम कर रहे हैं। और अगर वो खुद स्वयं अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई और सरकार नहीं करती। नहीं, क्योंकि अभी तक वो शिक्षक भर्ती घोटाला 1 साल से तकरीबन चल रहा है और अभी तक भी वो बैठे हैं। सरकार की जो कमियां थी, उस कमियों को जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, जिन लोगों ने गलत काम किए थे, जो गलत भर्तियां वगैरह किए थे, उनके खिलाफ कार्यवाही योगी जी की सरकार में। तो ये थी हमारे साथ में सरोजनी नगर विधानसभा की मौजूदा विधायक स्वाति सिंह, जिन्होंने हमें अपने विकास कार्यों के बारे में काफी कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उन्होंने विकास कार्य किए हैं और आगे भी वो करती रहेंगी। और फिर हमारी टीम ने बात की वहाँ के स्थानीय लोगों से कि क्या नजरिया है उनका सरकार के प्रति।
और कैसा होना चाहिए उनका प्राइम विधायक। आप वोट किसको, आपने अभी तक जो भी है आपने हर तरीके से ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, आपने सबके बारे में बोला कि सबका एक जैसा है, आप किसको वोट किसको देते आ रहे हैं, वोट भी तो दिया होगा। ये कैसे बता दें हम किसको किसको, जो कोई जीता वही को दिया। अच्छा, जो जीता उसी को दिया, अब और किसको देंगे। अच्छा, जो जीते उसी को दिया। तो अभी ये है कि अभी जो मौजूदा सरकार, मतलब आपको क्या लगा, मतलब जो इतने 4.5 साल में जो हुआ है, क्या क्या अच्छा हुआ है? नहीं, ये सरकार में तो सारे काम अच्छे हो रहे हैं, सारे अच्छे। भाई देखो, कोई गरीब को सता नहीं पा रहा है। हाँ। सारे एक समान रह रहे हैं। हाँ। बस हमको यही अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी बताइए, अच्छा अभी जो आप जानते ही है 2022 में आने वाला एक विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे रहेंगी आपकी सरकार से कि वो हमारी पूरी की जाए? तो मांगे कबो कोनी सरकार नहीं पूर कर पाई, तो यही सरकार कहाँ पूर कर दी भाई। अच्छा। कोनी सरकार मांगे कहाँ पूर कर पाई गरीब आदमी। अच्छा, और ये है कि अब आप जो चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि इस बार फिर से 2022 में यही सरकार आए, या आप कोई नई सरकार चाहते हैं? सरकार साहब ये भी ठीक है, नए आयु भी वो भी ठीक है, और मांग किसी की कोई पूरा नहीं कर पाया है। क्या कहेंगे आप मौजूदा सरकार के लिए? हमको जो मिला है तो हम बता रहे हैं, गैस भी, वो बत्ती भी मिली है। हाँ। और राशन भी मिलता है। 2022 का चुनाव एकदम पास में है, तो क्या चाहती हैं आप आने वाली सरकार से? सरकार आवे बढ़िया है। हाँ। तो कौन सी आवे? हैं? कौन सी आवे? आवे योगी के, योगी की दोबारा। हाँ। से। हाँ। कि आप सरकार को लेके क्या आपके क्या आप सोचते हैं? मौजूदा सरकार है, मौजूदा हमका ना लाटरी मिले, ना गैस मिला है, कुछ मिला ही नहीं लोगों। अच्छा, तो आपको अभी ये जितनी भी योजनाएं थी उनका लाभ नहीं मिल पाया? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं मिल पाया। बोल, ये बताओ कि अभी जो सरकार है, तो सरकार में जो आपका ये क्षेत्र है सरोजनी नगर क्षेत्र है, इसमें क्या विकास कार्य जो मौजूदा सरकार ने क्या क्या विकास किए हैं? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, विकास अभी कर रहे हैं। और जो सुविधाएं, हम ये नहीं कहते कि हमें ही मिले, हमें ना मिले कोई फर्क नहीं होता, लेकिन गरीबों को मिलती है। राहुल ने भी अपना पक्ष रख दिया है, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार काफी अच्छी है, तरक्की होनी चाहिए और आगे भी बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें हैं कि देश का विकास हो, शिक्षा को लेकर बात हो और भी तमाम चीजें, कि अभी भी हो रहा है, अगर उनको नहीं मिलता तो लेकिन फिर भी और लोगों को मिले। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।